लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। सांसद जयदेव गल्ला के घर दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। हाउ इज द जोश डायलॉग को बदलवाना चाहते थे विकी कौशल। अब खबर विस्तार से। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दिल्ली की तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को जम्मू की कोर्ट बलवत जेल से मंगलवार को दिल्ली की तिहाड़ जेल लाया गया है। दिल्ली के NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यासीन के खिलाफ पेशी का वारंट जारी किया था और बुधवार को उसकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। आंध्र प्रदेश DTP सांसद जयदेव गल्ला के घर दफ्तर पर आयकर विभाग का छापा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से तेलुगु देशम पार्टी TDP के सांसद जयदेव गल्ला के आवास और दफ्तर पर मंगलवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। गल्ला के अनुसार छापेमारी उन जगहों पर की गई जहां उनकी चुनावी टीम रह रही थी। वही छापेमारी के विरोध में गल्ला समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। हाउ इज दिस जोश डायलॉग बदलवाना चाहते थे विकी कौशल। उरी के डायरेक्टर फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर आदित्य धर ने खुलासा किया है कि फिल्म के अभिनेता विकी कौशल हाउ इज दिस जोश डायलॉग बदलवाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि विकी ने यह डायलॉग बदलवाने को कहा था क्योंकि फील नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया, मैंने समझाया टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए सेना के कमांडर ऐसे ही बात करते हैं। तो MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।